नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है हिमाली राशिवाला, जो एक ब्लाइंड सिंगर है, और आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। वो एक आज ऐसी आर्टिस्ट है, ब्लाइंड सिंगर के नाम से वो पहचानी जाती है, हिमाली राशिवाला, जिनकी आवाज़ मधुर है और संगीत जब वो सॉन्ग जब गाती है तब लोग खो जाते हैं। ऐसी सिंगर के साथ हम आज आप सबसे मुलाकात करवा रहे हैं, और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ विश्व महिला दिन अंतर्गत ये हमारा शो है। और सबसे पहले हिमाली, मैं आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डी कुशाल भाई ज्वेलर की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच जी। तो हिमाली के साथ हम बात करेंगे कि सबसे पहले वो सिंगर है, अभी सिंगर है, लेकिन वो सिंगर कैसे बनी, और लोग इनको जिस तरह से जानते हैं कि बहुत ही अच्छी सूरत की सिंगर है, और वो भी आँखों से देख नहीं सकती, लेकिन उनको देख के आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो नहीं देख सकती है, फिर भी अपनी जो जीवन का जो कार्य है, जीवन शैली है, वो किस तरह से वो कर रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हिमाली, फिर से आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप सिंगर बनी उससे पहले आपने एजुकेशन भी किया होगा जी, तो आप कितने, मतलब एजुकेशन आपने कितना किया है, कहाँ तक पढ़ी है आप? मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है जी, और 2011 मेरा फाइनल ईयर मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की जी। और उसके बाद 2 साल बाद मैं केरला ट्रीटमेंट के लिए गई थी जी, मेरी आई ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जी। तो वहाँ पर क्या है कि पूरा दिन ट्रीटमेंट चलता है, सुबह 5 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और उसके बाद सब अपना डिनर लेके इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर एक गार्डन था, वहाँ पे सारे पेशेंट्स जो भी उनके साथ आते हैं सब अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए बैठते थे, जिसको जो आता हो, जो भी जिसका टैलेंट हो, कोई जोक्स कहता है या फिर किसी को भजन आता हो, कुछ बातें, कुछ गाने, सब कुछ होता था जी। तो वहाँ पर मैंने पहली कोशिश की गाने की। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो जब मैं स्टडीज़ करती थी तब मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ आगे जाके, या फिर ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा जी जी जी। तो वहाँ पर क्या है कि सब लोग इकट्ठे होते थे, तो मैंने एक गाना गाया, दो गाने गाए, फिर सब ने बहुत मुझे मेरी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा गाती हो आप, इनको ट्रेनिंग दिलवाइए कुछ सिंगिंग की। तो वहाँ पर मैंने अपनी पहली शुरुआत की जी। उसके बाद जब 2013 में फिर मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की कि लाइव ऑर्केस्ट्रा में मैं कैसे, मतलब कैसे गाना होता है विथ सब म्यूजिशियन के साथ, और कैसे माइक पकड़ना, कैसे गाना, वो थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग ली जी। बाकी म्यूज़िक और ये सब तो बाय हार्ट ही है, मैंने खुद से ही सीखा है, खुद से ही सुना है, और खुद से ही मैंने प्रैक्टिस भी की है। और ऐसा करते करते फिर मैंने स्टेज प्रोग्राम्स शुरू किए, मैरिज फंक्शंस और ये सब, एज अ प्रोफेशनल सिंगर जी। और आज 8 साल हो गए हैं जी, मेरा ये प्रोफेशन है सिंगिंग जी। मतलब जिस तरह से आपने बताया कि कहाँ से आपने शुरुआत, केरला से आपने ट्रीटमेंट के लिए गई थी, और वहाँ से आपको ऐसा लगा कि मैं सिंगिंग करूँ, अपना टाइम इस तरह से बिताऊँ, और वहाँ से आपने सिंगिंग किया, यही आप कहना चाहती है जी, जी, जी। तो सबसे पहले आपने कौन सा सॉन्ग वहाँ पे गाया था, उसकी एक लाइन आप सुना दीजिए कि जब आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे सिंगिंग करूँ, तो कौन सा सॉन्ग गाया था आपने? मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एक बात याद है कि उस दिन पूनम थी जी, और
सब लोग बैठे हुए थे, कुछ चांद के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मेरी बारी आई. सब वो एक बार एक के बाद एक टर्न था, भाई कोई गाता है कोई कुछ सुनाता है, तो मेरी बारी आई. तो मैंने मुझे सबने कहा कि तुम चांद पर कोई गीत गाओ. तो मैंने सॉन्ग गाया था सलाम ए इश्क मेरी जान. हाँ हाँ. तो उसके अंतरे में चांद का जिक्र होता है. जी जी जी. वो मैं आपको सुनाती हूँ. मैं डायरेक्ट आपको अंतरा ही सुनाती हूँ. जी जी जी. जरूर जरूर. मैं सुनाऊं तुम्हें बातें एक रात की, चांद भी अपनी पूरी रवानी पे था, एक अरमान था एक तूफान था, दिल का तूफान अपनी रवानी पे था, एक बादल उधर से चला झूम के, एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में, उफ़ ये क्या हो गया, जोश ही जोश में मेरा दिल धड़का, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, सलाम ए इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो. वाह वाह वाह. तो क्या आवाज है, मतलब थैंक यू सो मच. इतनी सुंदर आवाज. और हिमालय आपको बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ. मैं इतनी सुंदर आवाज़ कानों में जब गूंजती है, कानों में जब पड़ती है, तो हम भी कहीं खो जाते हैं कि ऐसी संगीत ऐसी चीज़ है. मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से बात करते हैं हम संगीत, ऐसा कि संगीत से सुकून मिलता है, और जब म्यूज़िक की जब बात आए और ऐसे गाने जो एवरग्रीन गाने हैं वो जब हम सुनते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है अपने अंदर की. कुछ भावनाएं ऐसी आ जाती है कि जी जी जो हम काम करते हैं उसमें भी एनर्जी आ जाती है कि नहीं, कुछ 6 घंटे काम करते तो 10 घंटा काम करें, ऐसी एनर्जी आ जाती है. तो हिमाली जी, बहुत आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है. और जिस तरह से एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने कहीं सीखा नहीं है, बेसिक थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आज एक अच्छी सिंगर बन गई हो आप, तो इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन आपको. लेकिन और भी बात मैं पूछना चाहूँगी हिमानी जी की, आप जिस तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कितने सालों से है और कब से, मतलब आप जन्म हुआ तब से कि किस तरह से है ये? एक्चुअली अभी तक कोई परफेक्ट नहीं बता पाया, लेकिन मैं शुरू से बात करती हूँ कि जब मैं 10 साल की थी, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी. ओके. तो नेचुरली बात है कि 10 साल के बच्चे को इतना तो पता नहीं होता कि भाई कुछ हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा कुछ. तो ब्लैक बोर्ड पे मुझे पहले तो मतलब जो लिखा होता है वो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती थी. और फिर घर पे रात को जब मुझे लेसन करना होता था तो मैं बहुत मतलब दिक्कत होती थी. अब छोटा सा बच्चा है 10 साल का, वो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ठीक से, इसीलिए मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूँ. तो ना ही मैं एक्सप्लेन कर पाती थी और ना ही मेरे पेरेंट्स समझते थे. उनको ऐसा लगता था कि इसको पढ़ना नहीं है, लेसन नहीं करना है, इसीलिए सब नाटक कर रहे हैं सब. फिर कुछ दिन ऐसा चला, फिर स्कूल से भी कंप्लेंट्स आने लगी कि भाई आपकी बेटी कुछ ठीक से लिख नहीं रही, पढ़ नहीं रही, आप कुछ देखिए. फिर उनको लगा कि शायद मुझे कुछ चश्मे का नंबर होगा. तो सूरत के उस वक्त के फेमस आई स्पेशलिस्ट थे के देसाई, तो उनको बताया. तो उन्होंने नॉर्मल चेकअप ही किया और चश्मे के नंबर निकलवाए. उस वक्त शायद मुझे आधा या 1 नंबर होगा. चश्मे बनवाए, फिर मैंने पढ़ने की कोशिश की तो उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा. तो फिर मेरे कज़िन की वाइफ है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है. ओके. तो उनको फिर लगा कि कुछ भी गड़बड़ है, क्योंकि मैं बच्ची थी, मैं मुझे खुद पता नहीं था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, और इन लोगों को लगता था कि कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी को ऐसा मेजर प्रॉब्लम कभी था ही नहीं.
तो फिर वो डॉक्टर थी तो उन्होंने फिर बात की कि इनको है ना किसी स्पेशल आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। तो फिर उन्होंने देखा और बोला कि इनको तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है रेटिना पिगमेंटेशन। रेटिना पिगमेंटोसा इसका मतलब ये कि जो आँखों के पीछे जो पर्दा होता है जिसको रेटिना बोलते हैं, तो वहाँ पे उसके पीछे एकदम बारीक बारीक नसें होती हैं जो पर्दे से जॉइंट होती हैं। तो वो नसें सूखने लगी, नसें सूखती है इसलिए पर्दे को ब्लड नहीं मिलता। तो जहाँ जहाँ से वो नसें सूखने लगी वहाँ वहाँ से पर्दा डैमेज होता जाता है, वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इतने एरिया से है ना मुझे देखने में प्रॉब्लम हुआ। और ये प्रॉब्लम क्या है कि शुरुआत में इतना नहीं पता चलता। जब मुझे 10 साल की थी तब मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही आती थी कि रात को थोड़ा अंधेरे में कम रोशनी में थोड़ा देखने का प्रॉब्लम होता था। अदरवाइज इट्स नॉट कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, वो अलग चीज़ है और ये RP अलग चीज़ है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या है कि रात सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखता। मुझे ऐसा नहीं था, मुझे ट्यूबलाइट में और ये सब मुझे दिखता था दिन में सनलाइट में। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ता है और कुछ एज के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मैंने जब कॉलेज किया, मैंने कहा कि जब मैं 21 साल की हुई 2011 में, तो उसके SY में सेकेंड ईयर में मतलब मैं जब 20 साल की थी 2010 में, तब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम की स्पीड मेरी बढ़ गई। तो जी वहाँ तक तो मैं सनलाइट में 2 व्हीलर ड्राइव करके कॉलेज जाती थी, अकेली ओ जाती थी, अकेली आती थी, क्योंकि डे लाइट में मुझे इतना प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं था। था सनलाइट में जी मैं पढ़ती थी, पहले जी सनलाइट में ऐसे ही पढ़ लेती थी, फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा तो रूम के बाहर जो गैलरी होती है वहाँ पे बैठ के, धूप में बैठ के, सनलाइट में मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ती थी। ओ मुझे बहुत क्रेज़ था पढ़ाई का। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरा फोकस पढ़ाई पे ही था, बस मैंने वही देखा। जी और जब मैं 20 साल की हुई तो प्रॉब्लम मुझे बढ़ने लगा, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट में बैठ कर भी मुझसे पढ़ा नहीं जाता था ठीक से। तो मैं थोड़ी डगमगा गई कि वैसे भी मैंने सोचा ही था कि जब तक मैं कर पाऊँ मैं पढ़ूंगी जितना जी मुझसे हो सके। और मेरे पेरेंट्स का भी मुझे पूरा सपोर्ट रहा है हर काम में, उन्होंने भी बोला है कि जब तक हो सके करो। और फिर तब मुझे लगा, फिर बहुत से लोगों ने बोला कि भाई अभी लास्ट ईयर बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लो। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत तो मैंने कोशिश की, लेकिन जी फाइनल ईयर में मैं कुछ 2-3 मार्क्स के लिए एक सब्जेक्ट में मैं रह गई। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बिकॉज़ मुझे क्या है कि पहले से मैं खुद से ही पढ़ती थी ना, खुद ही पढ़ूँ तो वही मुझे याद रहता था। तो एक आदत सी हो गई थी पढ़ाई की कि मैं जो अपनी आँख से पढ़ूँ वो मुझे याद रहे, जी इसलिए फिर ये आई प्रॉब्लम की वजह से पढ़ने में दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने पढ़ाई कंप्लीट तो किया लेकिन फिर लास्ट ईयर में फेल हो गई तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 2 साल ऐसे ही मैंने घर पे बैठे के क्या करूँ कुछ। जी फिर ये जी केरला गई और अपने आप ही मेरे आगे सिंगिंग का ये टैलेंट आया, मैंने टैलेंट है खुद अपने आप को एज अ सिंगर वहाँ पे पाया है। जी वरना जी मैं नहीं जानती थी कि जब मैं पढ़ाई करती थी मैं नहीं जानती थी कि मैं आगे जाके सिंगर बनूँगी। जी 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 मैंने कभी कुछ गाया भी नहीं। जब पहली बार मैंने वहाँ पे गाया, और एक बार हमारे घर पे फंक्शन था वहाँ पे एक छोटा सा कराओके का प्रोग्राम रखा था, तो बहुत डर डर के एकदम लास्ट में मैं गाने उठी। जब सब वाइंड अप करने पर आए तब मुझे मन हुआ कि नहीं अब मैं कुछ गाती हूँ। जी तो सब सो गए थे, बहुत लेट हो गया था, लेकिन मेरी आवाज़ सुन के सब वापस आए, भाई कौन गा रहा है कौन गा रहा है। तब मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे सारे रिलेटिव्स ने देखा कि इतना अच्छा गाती है, तो उसको आँखों का प्रॉब्लम है तो इसी में उसका कुछ करियर बनाओ, जी क्योंकि एज अ लेडी जी आज के ज़माने में मैं ये सोचती हूँ इस प्रॉब्लम के साथ जॉब करना जी बहुत डिफ़िकल्ट डिफिकल्ट है। है जी बराबर, तो मैंने कोशिश भी की थी 1-2 2-3 महीने जॉब करने की, लेकिन मुझे यही बेटर लगा जी सिंगिंग, क्योंकि
हमारा क्या है कि एज अ ब्लाइंड के एज अ हैंडीकैप दूसरे को दूसरों को का हाथ का या पैर का प्रॉब्लम हो तो वो लोग खुद से भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन हमें तो देख ही नहीं सकते, इसलिए तो कुछ भी हमारे लिए अकेले पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन सपोर्ट अगर मिल जाए ना तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जी जी जी, बहुत ही अच्छा आप में स्पिरिट है अभी, मतलब आपके पेरेंट्स जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमेशा मैं देखती हूँ आपकी मम्मी आपके साथ ही होती जी, है हर जगह पे, कहीं पे भी शो, जब आप सिंगर ही बन गई है तो काफ़ी जगह पे आपको जाना भी रहता होगा, काफ़ी शोज बाहर होते होंगे, वहीं पे हमेशा आपकी मम्मी आपके साथ रहती है जी। तो मम्मी के लिए क्या कहेंगे आप? मम्मी पापा मेरे दो भाई बहन भी हैं, सबके लिए यही कहूँगी कि आज जो भी हूँ है मुझ में टैलेंट है, लेकिन सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। सही बात है। तो मैं बस उनसे सिर्फ सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ, बाकी तो सब भगवान का दिया हुआ है ही। हर जगह पे मुझे अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है एज अ वुमन, एज अ आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और अपने पेरेंट्स को भी मैं जो भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूँ या फिर मुझे प्रोग्राम करना है, मैं सब कुछ देख के करती हूँ। जी जी, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुम रियलिटी शोज आते हो उसमें जाओ जी, लेकिन मुझे सब कुछ देखना पड़ता है जी, क्योंकि आज के ज़माने में अकेले एज अ ब्लाइंड मुझे करना मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि हमारा क्या है कि हमें हर काम दिमाग से करना पड़ता है जी। अगर मैं दो कदम भी चलूँ तो पहले मैं दिमाग में सोचूंगी कि मैं किस तरफ जाऊँ, मेरे लिए सेफ क्या है, कहाँ जाना है। जी जी, तो मैं सब कुछ सोचती हूँ, और उसमें मैं अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचती हूँ कि भाई यहाँ पर इन लोगों के साथ जाना कन्वीनियंट रहेगा, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है, तो मैं उनके बारे में भी सोचती हूँ। जी जी, और बस अपने पेरेंट्स से यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बस सपोर्ट करें मुझे, बस जहाँ जाना है मुझे लेके जाए सेफली, और जी हाँ बाकी तो सब होता ही है, अच्छे से होता है। जी और जहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, जो मेरे को आर्टिस्ट होते हैं, जो मेरे साथ होते हैं ऑन स्टेज या बैक स्टेज, सब मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं जी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए सपोर्ट है, अगर सपोर्ट मुझे मिल जाए तो मैं बेफिक्र हर काम कर सकती हूँ। जी जी, बहुत ही अच्छी बात कही है, मतलब एक ब्लाइंड सिंगर जब ऐसा वो कहती है कि मैं सपोर्ट मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मतलब एक सिंगिंग की टैलेंट है जो गॉड गिफ्ट्स है उनके लिए, कि उन्होंने भगवान को इतना अच्छी आवाज़, इतनी सुंदर कंठ दिया है, और सरस्वती माँ की कृपा हम बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो ऐसे ही इतनी अच्छी आवाज़ वापस सुनने को दिल भी कर रहा है, हम सुनना भी चाहेंगे जी, जी। बट आज हिमाली की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारी जो हमारा जो समाज है, हमारा समाज की तो बात हम करते ही है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो प्रोग्राम्स करवाते हैं, तो मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हिमाली जैसी लड़की को, ब्लाइंड सिंगर है लेकिन वो अपने आप को ब्लाइंड नहीं कहती है, वो ऐसा कह रही है कि मैं, अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, रियलिटी शो में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको उतना संगीत जो है लोगों को देना है, रियलिटी शो में नहीं जाना है, लोगों को संगीत देना है, उनसे लोगों को खुशी मिलती है, ऐसी वो बात कहना चाहती है। मैं थोड़ी सी बात में बहुत कुछ समझ गई हूँ आपकी बातों से जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपके वहाँ कोई भी फंक्शंस है, अगर संगीत उसमें ज़रूरी है, संगीत का अगर आपको ऐसे कोई सिंगर की ज़रूरत है, तो ज़रूर हिमाली को आप याद कीजिएगा, हिमाली को बुलाइए और उनकी आवाज़ सुनिए, और आवाज़ सुन के अगर आप नहीं खो जाएंगे तो हिमाली की बात नहीं, क्या बात है। थैंक यू सो जी मच। जी, तो हिमाली हम ज़रूर हमारे दर्शकों को आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग हम सुनाना चाहेंगे, तो ताकि आपकी जो सिंगिंग की टैलेंट है, और जिस तरह से विदाउट ट्रेनिंग आपने इतनी अच्छी आप जब सिंगिंग कर रही हो, तो हम लोग ज़रूर आपको सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगी? शुरुआत से ही है तो मैंने जो फर्स्ट सॉन्ग गाया था, मैंने आपको बताया अपने रिलेटिव के सोए हुए
आ गए थे सुनने के लिए, तो वही सॉन्ग मैं गाती हूँ जी जी, द ग्रेट गैम्बलर से आशा जी का गाया हुआ जी, दो लफ्जों की दिल की कहानी। वाह वाह क्या बात है जी।
यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी आपने सिलेक्ट ऐसा ही किया था, और जब आपने कहा कि ये आपने जब पहली बार गाया था तब ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, और आज जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जब आपने पहली बार जब ये गाया था तब आपने कहा कि सारे लोग नींद से जाग गए थे, लेट नाइट आपने सॉन्ग गाया था, तो आज भी ये हमारा शो जो भी देख रहे हैं वो भी आज शायद अगर सो रहे हैं तो जाग जाएंगे। जी तो ऐसे ही हिमानी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से हमारा ये शो है विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो एक आत्मनिर्भर नारी और ब्लाइंड वो भी सिंगर और इतनी अच्छी आवाज़ के साथ आज हमारे साथ थी। हिमाली जी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत आभार आपका, और खूब बहुत आप आगे बढ़े ऐसे ही आपके गाने सबको सुनाते रहे ऐसी शुभकामना के साथ। आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रसंग है, अगर आपको सिंगिंग आप किसी से करवा रहे हो या तो सिंगिंग के कोई शो रख रहे हो, तो ज़रूर हिमाली राशि वाला को आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए तो हमारे चैनल से मिल सकेगा, आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा और इनको ज़रूर एक बार मौका दीजिए, और इनको इनकी जो लाइफ जर्नी है उनमें वो बहुत आगे बढ़े ऐसी शुभकामना के साथ। थैंक हमारे इस कार्यक्रम को हम नेक्स्ट मतलब कि ऐसी ही आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ वापस मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार।